बंगाल के चुनाव में अभी 6 महीने लगभग हैं, लेकिन अभी से ही तलवारें खिंची हुई हैं और तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं, और इसी पे बातचीत का सिलसिला आज हम भैया जी कहीं में रख रहे हैं। और हमारी बातचीत का सिलसिले को शुरुआत करने के लिए डॉक्टर के शर्मा से हमने बात की थी, ब्रेक में जब जा रहे थे वो कुछ हाथ उठा रहे तो कहना चाहते थे। जी डॉक्टर के शर्मा, मैं यही कहना चाह रहा हूं प्रतीक जी, अभी निजामी साहब कह रहे थे कि इन्होंने बात नहीं की सीएए की, शायद ये अनभिज्ञ है या इनको जानकारी नहीं है। आपने राजनीतिक विश्लेषक लिख दिया है इनको, ये है कांग्रेस के नेता, इनको पता नहीं कि 1 महीना भी नहीं हुए हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का दौरा हुआ पश्चिम बंगाल में बिहार चुनाव के बीच में, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम सीएए को लागू करेंगे। उसको लेके तमाम बहसें चैनलों पे हुई, इंटरव्यू के दौरान भी पूछे गए, उसमें साफ शब्दों में कहा गया कि हम सीएए को बंगाल में लागू करेंगे, और अभी उसकी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, उसके कुछ दस्तावेज तैयार हो रहे हैं, इसके बाद इसको हम प्रारंभ कर देंगे। नंबर वन। नंबर टू, जयदी साहब ने कहा, आप अमित शाह जी की बात जनता सुने या उनकी बात सुने? अरे साहब, नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के, आपको कुछ समझ में आता है क्या होता है? बेकूफ की तरह आप यहाँ पर प्रश्न करते हैं। चलिए अब इसके बाद मिनिस्टर ऑफ इंडिया फिर कंफ्यूज क्यों जनता को, पहले भी आपने कंफ्यूज किया, पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कोई कंफ्यूज करते नहीं किया, आपका एक स्टैंड है नहीं, आप दिल्ली में एक बात कहते हैं बंगाल में दूसरी बात कहते हैं, पर हम दावे के साथ कह रहे हैं कि हम लागू करेंगे। सुन लीजिए, आप कान खोल के सुन लीजिए, अब जयदी साहब की बात करता हूं मैं। जयदी साहब ने कहा, वो जयदी साहब आपको थोड़ा सा समझना चाहिए कि आज वहां पर वामपंथियों की स्थिति क्या है। 2019 के जो लोकसभा चुनाव है प्रतीक जी, उसमें 40 सीटों पर ये चुनाव लड़ी वामपंथी पार्टी, 39 सीटों पे इनकी जमानत जब्त हो गई, सिर्फ एक सीट पर ये अपनी जमानत बचा पाए हैं। तो आज वहां वामपंथ कहीं नहीं रह गया है, वामपंथ मुक्त जो है बंगाल हो चुका है। और हिंसा की ये बात कर रहे हैं, मैं इनको बता दूं कि ये हिंसा का आरोप लगा रहे थे, बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने विधानसभा के अंदर में एक प्रश्न के उत्तर पे ये कहा कि 35 साल के शासन में, कम्युनिस्टों के शासन में 24,000 राजनीतिक हत्याएं हुई थी। ये हत्यारे कम्युनिस्ट जो खून के प्यासे हैं हमेशा, और खून की राजनीति बंगाल में किया और अब केरल में कर रहे हैं, तो इनकी राजनीतिक संस्कृति यही है, और वही ममता बनर्जी ने गेन किया है, वही हत्या और वही खून की संस्कृति ममता बनर्जी की है, जो बंगाल की जनता की जो दादा उसके बाद पहले आमिर हैदर अपने हाथ खून से पहले आमिर हैदर जैदी साहब उसी से हमको पहले आमिर हैदर जैदी साहब